हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज प्रज्ञास किचन में बहुत ही हेल्दी और हेल्थ कॉन्शियस वालों के लिए नमकीन तैयार करने वाले हैं, बिना डीप फ्राई के और बिना ऑयल के। माइक्रोवेव में और कढ़ाई में अपन रोस्ट करेंगे। बाज़ार से कई गुना अच्छी नमकीन बनने वाली है, तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो अपन नमकीन बनाना शुरू करते हैं। मूंग का मोगर बनाने वाले हैं, तो ऐसा मोगर मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है। मैंने एक बाउल भर के लिया है, इसको एक बड़े बाउल में सोक करने के लिए ले लेते हैं। इसमें मैंने पानी डाल दिया 3 बाउल, और नमकीन अपनी सॉफ्ट बने इसके लिए अब इसके अंदर ये मीठा सोडा डालना है। देख सकते हैं मैंने 1 पिंच जितना लिया है, बस इतना ही डालना है। इसको डालकर एक बार चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। बस अब इसको 5 से 6 घंटे मैंने सो करने रखा, और इसको अच्छे से मसल के अपने को धोना है। मैंने 3 पानी से इसको अच्छे से मसल कर धो लिया है। अब इसको एक छलनी में अपन रख देते ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब अपने को इसको कॉटन कपड़े पे फैलाना है ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अपने को सुखाना नहीं है, बस इसका गीलापन हटाना है। और इसको मैंने 1 घंटे ऐसे ही फैला के रखा। देख सकते हैं इसका मॉइस्चर बहुत ही अच्छे से निकल चुका है। अब इसको रोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन इसको माइक्रोवेव में रोस्ट करने वाले हैं। तो 1 टीस्पून जितना मैंने यहाँ पर ये घी लिया है, और 1/8 टीस्पून जितना नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मोगर में अच्छा कलर आए तो उसके लिए मैंने 1-2 पिंच ही हल्दी पाउडर लिया। इन सबको एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि नमक, हल्दी और घी सब में अच्छे से लग जाए। और उसको मैंने फैला दिया है ग्लास प्लेट के ऊपर। इसको अपने को रखना है, डायरेक्ट नहीं रखना है। मैंने यहाँ पर ये स्टील की प्लेट ली है। आपके पास अगर एल्युमिनियम की प्लेट है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोवेव को सेट कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक्सप्रेस हीट के लिए 8 से 10 मिनट के लिए शुरुआत में इसको रख रही हूँ, और 2 मिनट बाद अपन इसको चेक करेंगे। सबके माइक्रोवेव की सेटिंग अलग अलग होती है, बट कुल मिला के अपने को इसको हाई हीट पर ही रोस्ट करना है। और 2 मिनट बाद मैंने इसको स्टॉप करके खोल के चम्मच से इस तरीके से हिलाकर वापस इसको बराबर फैला दिया है। और इसी तरीके से हर 2-3 मिनट में अपने को इसको चेक करना। और ये आफ्टर 20 मिनट्स बिल्कुल अपना मोगर अच्छे से ये रोस्ट हो चुका है। ये अपनी ऑयल फ्री, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा मूंग का मोगर बनकर तैयार हुआ है। अब अपन नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं, जो कि अपन कढ़ाई में नमकीन तैयार करने वाले हैं, वो भी बिना ऑयल के। तो मैंने ये एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। और बचा हुआ मोगर अब इसके अंदर डाल देते हैं। अभी अपने को इसमें घी या तेल कुछ भी नहीं डालना है। इसको लो फ्लेम पर रेगुलर चलाते हुए रोस्ट करना है। यहाँ पर गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पर ही रखनी है। अगर आपने हाई या मीडियम रखी तो मोगर ऊपर से तो ये कलर चेंज हो जाएगा, बट अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना होता है। ड्राई रोस्ट ही करना अपने को, और लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। देख सकते हैं धीरे धीरे इसका मॉइस्चर ख़त्म होता जा रहा है और ये ड्राई होती जा रही है। मैंने इसको लो फ्लेम पर 10 मिनट सेका। अब इसके अंदर मैं ये 1 टीस्पून जितना घी डाल रही हूँ, और 1-2 पिंच नमक डाल देते हैं। बिल्कुल मार्केट का हल्दी राम वाला मोगर बनने वाला है। और घी डालने से क्या होगा, एक तो सिकाई अच्छी होगी और नमक इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगा। और अपने को लो फ्लेम पर इसको अभी रेगुलर चलाते हुए रोस्ट करना है। और मेरे को इसको रोस्ट करने में 20 मिनट लगभग लगे, और ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुका है। आवाज़ सुन के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कितनी क्रिस्पी ये नमकीन बनकर तैयार हुई है। और ये नमकीन बिल्कुल मार्केट वाला जो मोगर आता है हल्दीराम वाला, वैसा ही तैयार हुआ है बिना कलर के। और जो अपन ने माइक्रोवेव में रोस्ट किया और ये कढ़ाई में रोस्ट करा, दोनों में समय लगभग सेम ही लगता है। आपके गैस की फ्लेम के अकॉर्डिंग और माइक्रोवेव की सेटिंग के अनुसार थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है। यही ध्यान रखना है, अगर आप माइक्रोवेव में करते हैं तो एक्सप्रेस हीट पे करें, और आप रोस्ट करते हैं कढ़ाई में तो लो फ्लेम पे रोस्ट करें, तो आपकी नमकीन बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है कमेंट करके बताएँ।
और प्रज्ञास किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।